नमस्कार, साझा न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुख करेंगे खबरों की ओर। सरकार की योजनाओं को लेकर किए जाने वाले महिमा मंडन और यथार्थ में फासले की बात किसी से छिपी नहीं है। सूबे में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सरकारी दावों को भुनाने की जोर आजमाइशों का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें अफसरशाही के चश्मे से देखने की बड़ी कीमत सत्ताधीशों को चुकानी पड़ सकती है। एक ऐसा ही मामला उन्नाव जिले की सदर तहसील के बिछिया विकास खंड की और हर ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनवाने के सरकारी दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हालात ये तब हैं जबकि जिले को ODF घोषित हुए लगभग 3 साल का समय बीत चुका है, पर इस ग्राम पंचायत का एक मजरा ऐसा भी है जहां के बाशिंदों को तमाम कोशिशों के बाद एक भी शौचालय नसीब नहीं हो सका। पूरा मामला क्या है, आइए सुनाते हैं बिछिया ब्लॉक की और हर ग्राम पंचायत के मजरे खंबार खेड़ा के ग्रामीणों की जुबानी। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर घर घर शौचालय बनवाने के दावे कर रही है। हालांकि ये सरकारी दावे जिले में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लगभग 3 वर्ष पूर्व जिले को ODF घोषित किया जा चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के विकास खंड बिछिया की ग्राम सभा ओराहर के मजरा खंबार खेड़े में, जहां पर ग्रामीणों को एक भी शौचालय नहीं दिए गए हैं। आखिर क्या वजह रही कि ग्रामीणों को एक भी शौचालय नहीं मिले हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं खंबार खेड़ा के ग्रामीण। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर क्यों नहीं उनको शौचालय दिए गए हैं। भैया क्या नाम है? सतीश कुमार जी। सतीश जी किस गांव में रहते हैं? खंबार खेड़ा में रहते हैं, ग्राम सभा ओराहर है, ब्लॉक बिछिया है जी, जिला उन्नाव। क्या शौचालय मिला है आपको? नहीं, हमारे गांव में किसी को एको नहीं मिले। क्यों, क्या वजह रही कि शौचालय नहीं मिले? अब ये पूर्व प्रधान ही बता सकते हैं। पूर्व प्रधान किसी अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से इसकी शिकायत की गई है? इसके प्रधान से भी की गई थी, ग्राम पंचायत से भी की गई, सेक्रेटरी से भी की गई थी, लेकिन किसी को भी नहीं मिला एको। हमारे साथ यहाँ गाँव की कुछ महिलाएं भी हैं, जिनसे पूछते हैं आखिर क्यों शौचालय नहीं दिए गए हैं। क्या नाम है चाची आपका? प्रेमा। प्रेमा कहाँ, किस गांव में रहती हैं? खंबार में। शौचालय मिला है आपको? नहीं भाई, हम लोग ऐसे सड़क पर जाते हैं। अच्छा, किसी से शिकायत की? शिकायत यही प्रधान से हम लोग कह सकते हैं, और कहीं आगे तो जा नहीं सकते भाई। चाची का नाम है तुम्हारा? राम रति। शौचालय है घर माँ? ना, गाँव माँ कोई के पास? कोहक लगे नहीं। और कोनो अगल बगल गाँव माँ? अगल बगल हम का जानी, बच्चा अपने गांव में रही तो हमारे गांव का ही पूछो। अब हम अगल बगल का जानी। का नाम है? महेश यादव। किस गांव में रहते हो? खमार खेड़ा में रहते हैं। क्या है, शौचालय मिला है किसी को? सर यहां पे शौचालय क्या, आज तक कोई शौचालय नहीं। बच्चे लेडीज सब सड़क पे जाती है, कोई शौचालय नहीं। और जो पूर्व प्रधान था उससे कहा भी गया, उसने आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब हमारे गाँव के जो प्रधान बने हुए हैं, अब वो थोड़ा हमारे लोगों के, ये लेडीज लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाकी पूर्व प्रधान ने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए। क्या नाम है दादा? सुरेश चंद। इसी गांव में रहते हैं जी सर। क्या शौचालय है किसी के पास? किसी के पास नहीं, एक भी शौचालय आपको नहीं। क्या सचिव से या रोजगार सेवकों से या पूर्व? बहुत बार प्रधान जी से कहा कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, आश्वासन देता रहा, यहाँ 5 साल देखने ही नहीं आया। यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आज आया है, और इस संबंध में मुझे यह अवगत कराना है कि मैं स्वयं जो जो स्थल बताए गए हैं मीडिया बंधुओं के द्वारा और अन्य नागरिकों के द्वारा, वहां पर मैं अगले एक सप्ताह में स्वयं दौरा करके और स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। बता दें आपको, उन्नाव जिले का आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां उन्नाव जिले के ऐसा गांव इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु पटेल जी, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा, उन्नाव जिले का है, जहां पर अरहर ग्राम पंचायत में एक भी शौचालय ग्रामीणों को नहीं मिला है। ऐसे में जिले को ODF घोषित कर दिया गया है, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज भी ग्रामीणों को शौचालय नहीं मिले हैं?
आज ही ये कुछ पत्रबंधुओं के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और मैंने अन्य पत्रकार बंधुओं को भी यही सूचना दी है कि मैं स्वयं कल स्थलीय निरीक्षण पर निकलूंगा और स्थलीय निरीक्षण के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो लिखित में की जाएगी। जी बिल्कुल सर, ऐसे में आपका आश्वासन है, कई बार गांव वालों को आश्वासन मिले हैं, ऐसे में कब तक इस पूरे जो समस्याएं ग्रामीणों को है, शौचालय नहीं है, कब तक इनको समस्याओं का निदान मिल जाएगा? जी जैसा मैंने यह मामला काफी गंभीर है, इसीलिए मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण पर जाकर वहां पर संबंधित जो भी उसकी जांच पड़ताल कर लिखित में कार्रवाई करूंगा ताकि शीघ्र अतिशीघ्र अगर यह समस्या वहां वाकई में विद्यमान है जी निराकरण हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसे में पूरे मामले को 3 साल हो चुके हैं, लंबा समय हो चुका है, आखिर क्या कारण है सर कि ऐसे हालात आज भी बने हुए हैं, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं जब ODF जिला घोषित हुआ है। मुझे जनपद में कार्यभार ग्रहण के हुए 2.5 महीने हुए हैं और चूंकि यह मामला आज सम्मानित पत्रकार बंधुओं द्वारा मेरे संज्ञान में दोपहर के बाद लाया गया है तो मैं कल स्वयं निरीक्षण करके जो भी वस्तुस्थिति होगी उससे मैं मीडिया कर्मियों को भी और शासन प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा। जी सर, इस पूरे मामले को लेकर हमने ग्रामीणों से बात की, उन्होंने कहा 3 साल का लंबे समय हो गया है, एक भी शौचालय नहीं मिला है, ऐसे में जिस पूरे मामले को लेकर जो भी आरोपी या जो भी कहें कि पूरे मामले में दोषी अधिकारी होंगे उन पर कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी पहले जांच पड़ताल करना उचित समझता हूं और जैसा कि आप वो निर्देश कोई भी इस पूरे प्रकरण में दोषी पाया जाता है के लिए शासन को भी लिखूंगा। जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, साधना न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पूरा मामला आपको उन्नाव का बता रहे हैं, जहां उन्नाव के और हर ग्राम पंचायत में एक भी शौचालय ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है, जबकि 3 साल पहले ही उन्नाव जिला ODF घोषित हो चुका है।